नमस्ते, हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। यार आज है हमारा इंडिया टू पाकिस्तान दिल्ली टू करतारपुर का पांचवा दिन है ना। पांच दिन से साइकिल चला रहे हैं और ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हम कल रात को सोए थे। ये हमारा रूम था। ये रूम कहाँ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक गुरुद्वारे में है, लुधियाना में ये गुरुद्वारा है और हमने यहाँ पे कल रात को आके रूम ले लिया था। फिलहाल हम क्या करेंगे, फटाफट ना अपने बैग वैग उठाएंगे और निकल जाएंगे नीचे, साइकिल जहाँ हमारी खड़ी है, और फिर पैक करके आगे बढ़ेंगे। यार कल हमने यहाँ पे रात को खड़ी कर दी थी अपनी साइकिलें, यहाँ पे अभी हमने पैक कर लिया है, दोनों की साइकिल्स पैक हो रखी हैं और हम जा रहे हैं इंडिया टू पाकिस्तान दिल्ली टू करतारपुर। और निकलते हैं, पहले यहाँ से निकलते हैं, आपको रास्ते में बाकी बातें शेयर करता हूँ। यार हमें जाना है ये फ्लाईओवर के ऊपर, वो अपना प्यारा सा इंडिया का झंडा गियर गिरा लें, थोड़े से क्लाइंबिंग में आसानी हो जाएगी। ये रोड सीधा जलंधर और अमृतसर ही जा रहे हैं लुधियाना से ना, शहर में ही है अभी तो चले ही जा रहे हैं। यार ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये महादेव का मंदिर है। और मैंने ना लुधियाना में नोटिस किया कि मंदिर ना बहुत ऐसे हैं, मतलब पिरामिड शेप में है, ऊपर है मंदिर, नीचे से नीचे कुछ नहीं है, बस नीचे पिलर पिलर है, ऊपर मेन मंदिर आप देख सकते हो, शिवलिंग के रूप में ऊपर मंदिर बना हुआ है। कभी समय मिला तो आएंगे ज़रूर। तो यार ये हम हाईवे पे आ गए हैं और बेसिकली यहाँ पे ना आंटी के पास सुबह चाय पी रहे हैं, सुबह 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 की पहली चाय तो बनती है, मैं चाय का बहुत शौकीन हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था, यार कहीं ना इस टूर पे ना मेरी जो रेस है वो टाइम से है, समय नहीं है मेरे पास ज़्यादा, मेरे को ना टाइम से पहुँचना है अमृतसर ताकि मैं पाकिस्तान विज़िट कर सकूँ। क्योंकि मेरे को जो परमिशन मिली है करतारपुर साहिब में एंटर करने की, जो कि पाकिस्तान में, वो सिर्फ 4-5 घंटे की है और 31 तारीख की ही है। मैं आगे जाऊंगा या पीछे जाऊंगा तो मैं घुस नहीं पाऊंगा, इसीलिए ना बहुत सारी चीज़ें मिस कर दे रहा हूँ, बहुत सारे शॉट्स मिस कर दे रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि सिनेमैटिक शॉट्स करूँ, ब्लॉग को थोड़ा और बेटर करूँ, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को शूट करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा और एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा। दैट इज़ द रीज़न जो भी ब्लॉग्स हैं अभी तक बहुत रॉ हैं, बहुत मतलब बिल्कुल ना कैजुअल ब्लॉग्स हैं कि भाई हाँ एक के बाद एक चीज़ है, जो जो होती जा रही है बस वही दिखा रहा हूँ, नो स्पेशल म्यूज़िक, नो स्पेशल शॉट्स। तो इस टूर पे थोड़ा सा ऐसा सीन है, हालांकि इस टूर के भी आखिरी के ब्लॉग्स कुछ सिनेमैटिक रहेंगे क्योंकि तब तक मैं फिर बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा ना। उसके बाद जो नेक्स्ट टूर शुरू करने वाला हूँ ना जनवरी में, यार धमाकेदार होगा, उसमें मेरे पास समय भी बहुत होगा, कोई टाइम कॉन्स्टेंट नहीं होगा कि कितना एक दिन में कितना करना, मेरी मर्ज़ी है, 4 दिन एक जगह पर भी रुक सकता हूँ नेक्स्ट टूर में। तो बस आप लोगों को ये थोड़ा सा नोटिस देना चाह रहा था। और जो भी लोग नए चैनल पर जुड़े हैं ना यार, उनको बहुत बहुत वेलकम है। यार अगर आप मेरी लॉन्ग वीडियोस देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, और शॉर्ट्स देख रहे हो तो भी थैंक यू सो मच यार, दोनों ही देख रहे हो तो और भी दिल से थैंक यू यार। तो चलो आज सुबह की चाय पीते हैं फिर हम बढ़ेंगे। आज जाना है हमें, कहाँ जाना है ब्रो? जलंधर तक। जलंधर जाना है ना, जलंधर जाएंगे, यहाँ से 50-60 किलोमीटर है। चेन उतर गई है गाइस, अभी मैं चेन लगाऊंगा, दिखाता हूँ आपको, कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, ठीक है ना। इसको मैंने नीचे से उठाया, गिर गई और गिर गई, सॉरी। एक्चुअली ठंड है ना तो हाथ थोड़े से, ये गलत हो गया। तो यार एक्स्ट्रा मेहनत हो गई, कोई नहीं, ये सबने स्टैंड ना लगाने की वजह से हो रहा है। ये देखो यार, राख के बीच में, काली राख के बीच में सुंदर पीले फूल उग रहे हैं, कितना मस्त लग रहा है ना, देख रहे हो, आशा की किरण एक तरीके से। दूर है, ज्यादा पास है भाई, ये ट्रेन की पटरी आ गई है इधर ना, हम कच्चे रास्ते पे उतर आए थे ऊपर हाईवे, और यहाँ से ना ट्रेन जा रही है पास के। तो
तो गाइस यार ये पटरी आई थी, पटरी हमने पार कर ली। अब ना हम एक्चुअल में जाना तो हमें हाईवे से था, लेकिन हम भटक चुके हैं, हाईवे से नीचे नीचे आ गए और ऊपर कोई रोड चढ़ नहीं रहा है। तो अभी हमें जाना पड़ेगा, ये ना थोड़ा सा लोकल इलाका है, देहाती इलाका है हल्का सा। अंकल जी हाईवे की तरफ रोड है अंदर से। ये देखो कितना बड़ा ट्रेलर है, गन्ने लेके जा रहे हैं लोग गन्ने ना। सर यहाँ पे हमने खाए छोले कुलचे और अभी सर जी की दुकान से लिया है हमने कोक। क्या दुकान का नाम क्या आपके? एसके टी स्टॉल। तो एसके टी स्टॉल से हमने कोक ले ली है, पीछे पैसे काट लीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है यार, पंजाब एंट्री हो चुकी है, जा रहे हैं अमृतसर। और ये जो रोड है ना, ये सीधे जाती है अमृतसर की तरफ। ओहो आगे से बहुत सही है यार, वाह। पहले ना ये टेम्पो काफ़ी जगह पे आपको दिख जाते थे, लेकिन अब नहीं दिखते। बहुत बढ़िया है, किसी को ऐसे टेम्पोस के बारे में, ऐसे डिज़ाइन के बारे में कुछ और डिटेल्स बताओ ना तो कमेंट में बताना। विंटेज टाइप का है बिल्कुल ना, मस्त है एकदम। तो यार हम जा रहे थे, मैं साइकिल चला के जा रहा था, जलंधर यहाँ से 12 किलोमीटर रह गए। और ना मुझे ये भाई साहब मिले हैं। सर जी आपका नाम क्या है? सुनील मिश्रा। सुनील मिश्रा, मैं सागर मिश्रा हूँ। अच्छा जी, ठीक है। आप लखनऊ से आपने बताया जी, तो कहाँ जा रहे हैं? वैष्णो देवी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? लेकिन माता रानी कृपा है भाई, हम पर भाई आत्मा हुई मेरी, तो माता रानी दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन साइकिल से क्यों जा रहे हैं भाई? गरीब बंदे आ जाती है, हमारी माता रानी जो कुछ व्यवस्था दी उसी लेकर चलती है भाई। अच्छा, तो यार इससे पहले कहीं गए हैं? बाबूजी पहली बार ना जा रहे हैं, साइकिल से पहली बार जा रहे हैं। अरे वाह, आइए जरा साइकिल दिखाइए आपकी। वाह, तो भाई आप देख सकते हो एटलस है ये। हाँ। एटलस की साइकिल है, ये देख सकते हो, बिल्कुल अपनी जो देसी वाली साइकिल होती है वही साइकिल है। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि मेरे पास अच्छी साइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा यार, देखो ना साइकिल कोई भी हो, अगर आपको निकलना होता तो आप निकल सकते हो। क्या कहते हो, इससे आप एक दिन में कितना का डिस्टेंस नाप देते हो? 80-90, ठंड है 80-90 चला लेते, नहीं गर्मी होती तो अगर 130-120 चल जाती है। अच्छा हाँ। 130-120 भी जाती है? हाँ। वाह, तो भाई देखो कुल मिला के बात ये है ना, जो भाई जी की साइकिल है, जो एटलस की हमारी देसी साइकिल होती है ना, इनके टायर होते हैं पतले और थोड़े से बड़े, तो इसीलिए आप डिस्टेंस इनसे ज़्यादा भी कवर कर सकते हो। कोई दिक्कत आती है आपको चलाते हुए? कोई दिक्कत नहीं आती है। मंदिर में रुक जाते हैं पहली बार, या कहीं किसी दुकान दुकान पड़ी है बाहर, तो वहाँ ले जाते हैं, कोई रोकने और उड़ने उड़ने के लिए आप भाई मेरे पास, ठीक है। तो यार बेसिकली भाई जैसे हम तो कैंप लगा लेते हैं पेट्रोल पंप वगैरह पे, या फिर गुरुद्वारा देख लेते हैं, तो भाई जी भी यही करते हैं, मंदिर वगैरह में रुक जाते हैं, या फिर इनके पास अपनी रजाई कंबल वगैरह लेके चल रहे हैं, कहीं भी बढ़िया सी जगह दिखी वहाँ टेंट के नीचे आसरा ले लिया। ठीक है, आपसे मिलके अच्छा लगा। तो भाई लोग हम आ गए हैं यार जालंधर सिटी के अंदर, और यहाँ पे अब आज हमारा स्टे कहाँ होने वाला है वो हमें पता नहीं है, वही पता लगाने जा रहे हैं। एक्चुअली में हमें बताया गया है यहाँ पे ना एक मंदिर है आगे जाके, 1.5 किलोमीटर ये ज़्यादा नहीं है, और वहाँ पे स्टे का जुगाड़ हो सकता है। तो वहाँ चल रहे हैं, दर्शन भी करेंगे और शायद रुकना भी हो जाए। सर ये मंदिर है, इसका नाम है देवी तलाई मंदिर, और यहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं आज रुकने का आश्रय ढूंढने के लिए। चलो चल के पहले बात करता हूँ। तो यार ये जो आप नज़ारा देख रहे हो ना, ये है बेसिकली हमारी धर्मशाला के बहर का नज़ारा। धर्मशाला नंबर 3 मिली है हमें, और इस मंदिर का नाम है देवी ताल मंदिर। और हमें ना स्पेशल रूम मिला है, एक्चुअल में है तो डॉर्मेट्री, लेकिन जो मैनेजर थे उन्होंने कहा आप लोगों को ना बिल्कुल एक खास रूम देता हूँ जिसमें और कोई भी नहीं है। आप देख सकते हो, आपको डॉर्मेट्री दिखाता हूँ, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेड हैं, जिसमें से 4 में कोई नहीं है और 2 में सिर्फ दीपक भाई और मैं हैं। और ना ये कमरा पूरा हमारे लिए अकेला है, और हमें पढ़ाई है सिर्फ 150 पर नाइट का, है ना, 150 पर पर्सन का। तो बेसिकली आप मेरा 150, दीपक भाई का 150, और हम दोनों 300 रुपये में यहाँ पे रह रहे हैं, बिल्कुल प्राइवेट रूम की तरह।
बस यहाँ पे ना इस साइड पे वॉशरूम भी है, अभी नहीं दिखाऊंगा यार, बहुत मैं भी थक गया हूँ, प्लस सुबह दिखा दूंगा कल वाले ब्लॉग में, देख लेना आप लोग तो रोज ही मिलते हो ना मेरे से। तो चलो यार गेट बंद कर देते हैं, पहले सुबह मंदिर दिखा दूंगा। तो यार अब मैं आ गया अपने बेड पे, प्यारा सा कंबल है मेरे पास, ठंड बहुत है ना, मैं दो मिनट के लिए बाहर के आ गया आपको दिखाने, बिल्कुल एकदम से सब ठंडा ठंडा हो गया। तो फिलहाल मैं जाऊंगा कंबल के अंदर और आप सभी से मिलूंगा कल फिर एक नए ब्लॉग में। कल हम अमृतसर पहुंच जाएंगे गाइस, बाय।